चैन दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिषेक रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम वीडियो की रिएक्शन देने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि आपके आशीर्वाद से हमारे चैनल के व्यूज बढ़ रहे हैं, मगर उस हिसाब से सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपका आशीर्वाद हमें दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का आज का टाइटल है ओनली इंडिया कैन स्टॉप इट, तालिबान फाइटर क्लैश विथ ईरानियन बॉर्डर गार्ड, पब्लिक शॉक। सॉरी, तो इसमें अभी जो फिलहाल में ईरान और तालिबान के बीच में जो पानी की समस्या है उसके बारे में क्लैश चालू है, उसी के बारे में जो डेली स्वराज के मुजम्मिल भाई हैं उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से कुछ सवाल किए हैं, तो उस पर पाकिस्तानी आवाम क्या राय देती है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर फिर से एक बार आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको लगता है कि हम पूरी दुनिया को लीड कर देंगे? नहीं, लीड तो हम करेंगे, वो इसलिए कि आर्मी स्ट्रांग है, और उसके बाद ठीक है टर्की जो है वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा है न्यूक्लियर पावर का। आर्मी पावर आपके पास रिजर्व नहीं होंगे तो आप वो हथियार कैसे खरीदेंगे? आप अगर जखीरा भी करेंगे तो आने वाले 10 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपकी वही टेक्नोलॉजी जो आपके पास है वो जानलेवा बन जाएगी आपके लिए। आप उसकी डेवलपमेंट देखेंगे, किसी वीडियो में आप देखेंगे तो आप कंपेरिजन करेंगे उसको यूरोप के साथ। आप सर इंडिया के कंपेरिजन कर लें, सर इंडिया से हम अलग हुए थे कि तरक्की करेंगे, आज वो हम पर हंसता है, आज वो हम हमारा मजाक उड़ाता है। वो बनता भी उसका मजाक उड़ाना, अगर उसकी जगह हम भी होते तो वो तो कम उड़ा रहा, हम उसे डबल मजाक उड़ाते। हमारे ना पाकिस्तान में एक लीडरशिप का फुकदान है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है और दुनिया की पहली इस्लामी ताकत है पाकिस्तान। वहाँ राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जी मैं जिस दिन पावर में आया, कांग्रेस का है, मैं जिस दिन पावर में आया मैं इमरान खान की तरह एहतसाब करूँगा। वो ये कहते हैं, रिसाले में इंटरव्यू पढ़ रहा था, खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में शायद ही कोई भूखा सोता हो, मांग तांग के खा लेगा। साल पहले 40 years back, लेकिन इंडिया में आज भी वहाँ बुरी हालत है, इंडियंस हमसे बेहतर नहीं है। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम मुझसे मिलने के लिए ना कनाडा से एक बंदा यहाँ पर आया था, विपिन कुमार सिंह जिसका नाम था, वो यहाँ पर आया, तकरीबन 3 से 4 दिन गुजारे उसने। मैंने कहा कि बिग डिफरेंस बताओ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्या आपने देखा? उन्होंने कहा पाकिस्तान में भी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। गाइस टॉपिक ये है आज का कि अफगानिस्तान के तालिबान और ईरान के दरमियान झड़प चल रही है, बॉर्डर के अंदर जंग हो रही है। गाइस अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामला देखें तो अंदरूनी मामला के अंदर भी अनस्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही हर चीज़ के अंदर। गाइस क्या वजूहत है कि हम कहते थे कि मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया को लीड करेगी, यहाँ पर हम आपस में लड़ी जा रहे हैं, हमारे आपसी के जंग और हमारे आपसी की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। तो गाइस इस पर इंडिया क्या अपना रोल अदा करेगा, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि जो ये लड़ाई जो चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, इस पर कौन पहले कदम बढ़ाएगा और इसकी सुलह बंदी के लिए कौन आगे आएगा, इन सब के सवाल के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तान में पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन थैंक यू। सर नाम आपका? साकिब रिजवान। सर बेसिकली मैं आपसे बात करने का मेरा पर्पज़ ये है कि सर अभी आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान जंग लगी हुई है इस टाइम बॉर्डर के अंदर हालात बड़े सरगर्म हैं, वो यहाँ से मार रहे हैं, वो यहाँ से मार रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं पाकिस्तान के रिलेटेड बात करना चाहूँगा, हम कहते हैं कि पूरी उम्मा को, पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड कर लेंगे पाकिस्तान, बिकॉज के आपको जो मौजूदा सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं क्या ये लगते हुए आपको लगता है कि हम पूरी दुनिया को लीड कर लेंगे? नहीं, लीड तो हम करेंगे, वो इसलिए कि आर्मी स्ट्रांग है, और उसके बाद ठीक है टर्की जो है वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा है न्यूक्लियर पावर का। सो वी विल लीड, आई थिंक वी विल लीड। आपके साइंटिस्ट आपके कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आर्मी आपकी पिछली 25 साल से वॉर जोन में है, सो आई हैव नो डाउट कि हम लीड नहीं कर सकेंगे, वी विल लीड। सर जिस तरह के सिनेरियो चल रहे हैं, खाना जंगी लगी हुई है, पब्लिक पुलिस के साथ, पुलिस पब्लिक के साथ, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है मौजूदा सिनेरियोज को देखते हुए। सर 1947 से लेके अभी तक बताइएगा कि जीडीपी और इकोनॉमी का ग्राफ हमारा कोई प्लस पॉइंट में गया हो, हमने कभी कोशिश की हो? सर आपने कहा कि कभी भी नहीं गया। कभी नहीं गया। कोरियन वॉर जो थी 1951 में हुई थी,
उसमें आपका जो जीडीपी था प्लस में गया था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त हमारे साथ था और पटसन हमारी जो है वो बिकी थी, तो उस वजह से आपका जीडीपी जो है वो प्लस में गया था। उसके बाद वाकई कभी नहीं गया। देखिए कितना लंबा पुराना अरसा है, और आप ये हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई हम फिर भी दुनिया को लीड करेंगे, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी की जंग है? अभी आपको अगर जंग लड़नी भी पड़ गई तो आपके पास इकोनॉमी पावर, आपके पास रिजर्व नहीं होंगे तो आप वो हथियार कैसे खरीदेंगे? आप अगर जखीरा भी करेंगे तो आने वाले 10 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपकी वही टेक्नोलॉजी जो आपके पास है वो जानलेवा बन जाएगी आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे दुनिया में? यही बात मैं करना चाह रहा हूँ, दुनिया चांद से भी आगे चली गई है, अभी भी हम चांद पर भी नहीं गए जा सके, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, नेशन में हमारी नेशन के जो सीड्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, हमारे पास इस्लाम का जो है वो एक मैनिफेस्टो है, उस पर आप चल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि बेशक इकॉनमी हमारी कभी भी वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकी, लेकिन आपके पास लीडर्स तो आए हैं, ये नहीं है लीडरशिप क्राइसिस है। आपके पास एक साहब आए थे जिन्होंने कोरोना में आपको लीड किया, खान साहब का प्रोफाइल हम पिछले कुछ तकरीबन 40 साल से जानते हैं, वो पाकिस्तान के लिए सक्सेस गेन कर रहे हैं। उन्होंने जो स्लोगन दिया है कि मैं वेलफेयर स्टेट बनाऊंगा पाकिस्तान को, सारी नेशन उनके साथ है। मतलब हम आर्मी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, आर्मी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, हो सकता है आर्मी कहीं इन्वॉल्वमेंट हो उसकी पॉलिटिक्स में, लेकिन हम पॉलिटिशियंस की भी तो जिम्मेदारी आती है। अच्छा, एक और चीज़, आपने स्टार्ट में कहा कि हम इनको वर्ल्ड अफेयर्स से भी रिलेट करेंगे। वर्ल्ड अफेयर्स में आप सिविल वॉर्स देखें, पुरानी सिविल वॉर्स, अमेरिकन सिविल वॉर देखें, उसके बाद आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, ठीक है, ईरानियन रेवोल्यूशन देखें, तो ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया का, जब भी अवाम उठे हैं उन्होंने करप्ट गवर्नमेंट्स को उखाड़ के फेंका है। यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आर्मी का या तो होल्ड बहुत ज़्यादा है, वी डोंट नो अबाउट दैट, मे बी इट इज़, आई एम नॉट श्योर। मैं खुद आर्मी में रहा हूँ बाय द वे, मैंने 4 साल आर्मी में सर्व किया है एज ए कमीशनड ऑफिसर, उसके बाद मैं टीचिंग में आया, तो ये मेरी ब्लैक पेंट और शर्ट से आपने मुझे वकील समझा, आई एम नॉट अ लॉयर एक्चुअली। मैं फौज में रहा हूँ, मैंने 15 साल पढ़ाया है, अब मैं यहाँ बुक्स पे, ज़रा बूढ़ा हो गया ना तो बुक्स का काम करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मावरा बुक्स पे। तो उसमें ये है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, यूरोप भी हम लोग रहे हैं, 5 साल हम लोग बाहर रहे हैं सर, तो रेवोल्यूशंस सोसाइटीज़ को चेंज करेंगी, हमें इंतज़ार कर रहे हैं रेवोल्यूशन का। हाँ, 1947 से 75 साल हो गए रेवोल्यूशन का, हम इंतजार करते हुए आ रहे हैं। आपने कहा कि हमें लीडर की जो है वो कमी नहीं है, हमारे पास लीडर की क्राइसिस नहीं है। सर, लीडर क्राइसिस ही तो है कि मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दी। आप मिसाल ले लें सर, आप किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें, बांग्लादेश को ले लें, बांग्लादेश हमसे 71 को अलग हुआ, आज देख लें सर वो बुलंदियाँ छू रहा है। आप उसकी डेवलपमेंट देखेंगे किसी वीडियो में, आप देखेंगे तो आप कंपैरिजन करेंगे इसको यूरोप के साथ। आप सर इंडिया के कंपैरिजन कर लें सर, इंडिया से हम अलग हुए थे कि तरक्की करेंगे, आज वो हम पर हंसता है, आज वो हम हमारा मजाक उड़ाता है, वो बनता भी उसका मजाक उड़ाना, अगर उसकी जगह हम भी होते तो वो तो कम उड़ा रहा, हम उसे डबल मजाक उड़ाते। बताइए, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है सर, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है, हम मैं मानता हूँ गुर्बत है, लेकिन पाकिस्तान से कम ही है जो कि हालात पैदा कर दिए गए। मैं आपको 40 साल पहले का रिसालों के कुछ एनालिसिस बताऊंगा, ये खान साहब नहीं कह रहा, मैं बिग फैन ऑफ हिज। अच्छा, अब वो ये कहते हैं, रिसाले में इंटरव्यू पढ़ रहा था, खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में शायद ही कोई भूखा सोता हो, मांग तांग के खा लेगा। साल पहले 40 years back, लेकिन इंडिया में पावर्टी की जो हालत है वो हम उससे बहुत बेहतर हैं। 40 साल पहले की और रिसर्च, और आप अभी की रिसर्च करेंगे ना सर? हम ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत होने का मतलब पता है, अगर उसके फॉरेन रिजर्व आप देखेंगे तो 650 बिलियन डॉलर्स, हमारे 1 बिलियन डॉलर्स भी नहीं है सर। आपके फॉरेन रिजर्व के ऊपर ही आपके मुल्क के आरामदाद और बरामदाद होते हैं, होते कि नहीं होते? मैं आपको बताता हूँ, देखें, एक लेमैन किसी मुल्क की इमारत और गुर्बत को कैसे जज करता है, स्ट्रीट्स को देख के। आप भी स्ट्रीट्स में आए हैं, एक चलते राह चलते शख्स का आपने इंटरव्यू लिया। मेरा जो एजुकेशन स्टार्ट हुई है वो यूरोप से हुई है, मेरे फादर वहाँ PhD करने गए थे, मैंने वो सोसाइटी भी देखी है, मैं वो सोसाइटी समझता हूँ। वहाँ का एक आम पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए जो करता है, यहाँ प्राइवेट स्कूल शायद करता हो, पब्लिक स्कूल्स भी बेहतर हैं। वहाँ की स्ट्रीट्स आपको साफ नज़र आएंगी, वहाँ आपको आगे, मैं आपको यूरोप की बात कर रहा हूँ, वेलफेयर स्टेट्स है ना, हम भी पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना चाह रहे हैं ना, खान साहब ने यही नारा दिया है, एंड वी आर विद हिम।
ये आपको स्ट्रीट से, ये जो है ना स्ट्रीट्स की खूबसूरती से आपको जज होता है। इंडिया की स्ट्रीट्स आज भी अगली हैं, आपको न्यू दिल्ली में नज़र आ जाएगी, आप वो अंदर मतलब आप जाएंगे वहाँ पे साउथ में जाएंगे या आप इंटरनली वहाँ का रूरल कल्चर देखेंगे, आज भी वहाँ बुरी हालत है, इंडियंस हमसे बेहतर नहीं है। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझसे मिलने के लिए ना कैनेडा से एक बंदा यहाँ पर आया था, विपिन कुमार सिंह जिसका नाम था, वो यहाँ पर आया तकरीबन 3 से 4 दिन गुजारे उसने। मैंने कहा कि बिग डिफरेंस बताओ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्या आपने देखा? उन्होंने कहा पाकिस्तान में भी ये सेम बाजार है, इंडिया में भी सेम मार्केट है, सेम चीज़ें हैं। उसने कहा कि लेकिन जितना डस्ट गंदगी यहाँ पर है इतनी इंडिया में नहीं है। दूसरी चीज़ उसने मुझे चुप करवा दिया एक बात करके कि मेरा सर नीचे ही रह गया। उसने मुझे कहा कि यहाँ पर मुझे खड़े हुए 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के अंदर अंदर 15 मांगने वाले आ गए और 15 भीख मांगने वाले आ गए कि इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही, जितनी को आप लोग के अंदर महंगाई है वो चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप ऊपर ऊपर से कह देते कि भाई हम चीज़ में हर चीज़ में मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, पहले आप अपनी पॉवर्टी को कंट्रोल करो। अपने कैंटोनमेंट्स को देखिए कितने साफ सुथरे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, आर्मी मैंने भी इसीलिए छोड़ी थी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने उसको छोड़ा है। यूरोप ने कैसे एडवांसमेंट की है, वर्ल्ड वॉर टू में ये 15-16 मुल्क ये सारे आपस में बहुत बुरी तरह लड़े थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री आपको पता होगी। लेकिन उसके बाद आप देखें उन लोगों ने अपनी करेंसी एक की, यूनिफाई किया चीज़ों को, उसके बाद प्रॉस्पर किया है उन्होंने। वहाँ पे कहते हैं यूरोप की तरक्की का राज ये है कि फौजी जो हैं वो चौकियों पे हैं, वो सिविल सेटअप में नहीं आते, और वहाँ का जो पादरी है, जो मजहबी लोग हैं, वो अपनी मस्जिदों मंदिरों और चर्चिज में हैं। ये राज है, हमें भी यही करना है, मौलवियों को सियासत से निकालें, फौजियों को सियासत से निकालें। पर आखिरी सवाल करता हूँ, उसके बाद आपको इजाज़त है, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सर मैं देखता हूँ कि आप, हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, आप इस चीज़ के बारे में मैं आपका ओपिनियन ज़रूर लूँगा। दूसरे नंबर पर अगर जुल्म, हम कहते हैं कि हम सब कुछ बराबरी, मतलब कि सब कुछ बराबर बराबर हिसाब किताब है नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के साथ, तो सर वो नाइंसाफ़ी करके भी आज दुनिया की पांचवी बड़ी मैशियत है, इकोनॉमी है। सर हम इंसाफ करने के बाद भी अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे इधर कोई झूठ नहीं बोलता, कोई वादा खिलाफी नहीं करता, हर एक के हकूक उसको बराबर दिए जाते हैं, नॉन मुस्लिम को भी मुस्लिम को भी, अगर ये सब कुछ होता जो हम कहते हैं ज़ुबानी तौर पर, क्या आज हम डेवलप स्टेट ना बन गए होते, दुनिया हमारी मिसाल ना देती हो? यूरोप, अगर हम आज यूरोप की मिसालें देते हैं, यूरोप अब पाकिस्तान की मिसालें ना देता होता, अगर इतने होनेस्ट अगर हम लोग आज हम लोग होते तो हम लोगों की तरक्की ना करने के पीछे वजह क्या, वो बता दीजिए। हम अपनी डार्क एजेस से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही करप्शन। करप्शन पे आप कंट्रोल कर लेंगे, आप प्रॉस्पर कर जाएंगे। चाइना ऑफिशियली गुरबत ख़त्म कर चुका है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक महीने बाद एक जो उनका कम्यून होता है वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्ट्रेट अवे करप्ट लोगों को गोली मार देते हैं, वो दैट इज़ हाउ यू विल कंट्रोल इट। और आज वो अमेरिका से आगे है। आपने कहा कि हम करप्शन में ज़्यादा हैं, करप्शन कौन कौन सी चीज़ों के अंदर, ईमानदारी के करप्शन, वादा खिलाफी की करप्शन, वादा करके कौन से करप्शन गिनवाएंगे आप, मुझे ज़रा बता दी मेरे ऑडियंस। फाइनेंशियल करप्शन जब आपके पास फाइनेंशियल करप्शन होती है ना सर, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं, आपको झूठ बोलना, आपने मेरे साथ वादा खिलाफी की, वादा किया अगले दिन नहीं आया, इसको भी करप्शन बोलते हैं। करप्शन हर चीज़ के अंदर करप्शन होती है कि नहीं? इट इज बिल्कुल है सर, मानना पड़ेगा ना कहीं हम वीक है, करप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा, बट स्टिल इसमें फॉल्ट हमारा नहीं है। बाज़ औक़ात आप एज ए नेशन डिक्लाइन करते हैं, ठीक है, मैंने आपको रेवोल्यूशन की एग्जाम्पल दी हैं, ईरान की, उसके बाद अमेरिका की, फ्रेंच की और रशियंस की, ये चार रेवोल्यूशन दुनिया में मशहूर हैं। उसके बाद सोसाइटीज चेंज हुई थी। रिसेंटली देखें 20 साल पहले अरब स्प्रिंग, तमाम अरब मुल्कों में जो है वो एक आप कह लें कॉलोनियलिज्म को उन्होंने ख़त्म किया है। टर्की की एग्जांपल देखें, वो पूरी आवाम 3 रात जो है वो चौकों में रही है और उन्होंने आर्मी को अपनी जगह दिखाई है, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज़ एज ए रीजन वी लिव इन अ बैड नेबरहुड, ठीक है, इफ़ यू हैव अ बैड नेबर यू कैन नॉट प्रॉस्पर। मोहल्ले में अगर कोई आपके ख़राब हमसा है आपको सुकून नहीं होता, यही प्रॉब्लम वहाँ है। वहाँ राहुल गांधी क्या कह रहा है, राहुल गांधी कह रहा है कि जी मैं जिस दिन पावर में आया, कांग्रेस का है, मैं जिस दिन पावर में आया मैं इमरान खान की तरह एहतसाब करूँगा। इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये थी, वो डिक्टेटर नहीं है, वो फौजी नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो क्रिकेटर था, ठीक है, वो जनरल्स की तरह वो फायरिंग स्क्वाड्स के आगे खड़ा करके करप्ट लोगों को गोलियाँ नहीं मार सकता था, ही कुड नॉट। नवाज शरीफ चला गया, नवाज शरीफ को अगर वो यहीं कुछ कर देता ना, ठीक है, तो
मेरा ख्याल है उसकी पॉपुलैरिटी इससे भी ज्यादा राइज पे होती है, ही स्टिल ऑन द राइज। सर आपने इंडिया की मिसाल दी, आपने कहा कि वो उसने राहुल गांधी ने ये कहा है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो बंदा ये भी कह रहा है पाकिस्तान की मिसाल दे रहा, तो मैं उस बंदे को सलूट करता हूँ, बहुत बड़ा पन है उनका। सर सर वो देखिए ना कि एक इकोनॉमी जो कि डेवलप होगी, डेवलपमेंट की तरफ चली गई है, वो डेवलप हो गई है सर, वो भी फिर भी पाकिस्तान के बारे में सोचते, तो मैं सलूट करता हूँ। हमें क्या करने की जरूरत है, पाकिस्तान के ऊपर आते क्या करने की जरूरत है, किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, अपनी सोच को किस तरह बदल सकते हैं, मुल्क को कैसे तरीके की तरफ लेके जा सकते हैं। आप रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और करप्ट लोगों को पनिश करें, दैट्स इट। जुडिशरी ठीक करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। अनहाशमी, क्या करते हैं आप? मैं एक फ्रीलांसर हूं। माशाल्लाह जी, वेरी नाइस। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि सर हम हमेशा से देखते हैं कि जब दूसरे कोई कंट्री, दूसरे कोई नॉन मुस्लिम कंट्री मुसलमानों पर बात करती है या फिर मुसलमानों को खरोज तक पहुंचा देती, तो हम रोड ब्लॉक कर लेते हैं, हर जगह पर धरने दे देते हैं। सर अभी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान जंग लगी हुई है, क्या समझते हैं आपके? तालिबान ईरान के ऊपर धावा बोल रहे हैं और उधर से ईरानी तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान के इंटरनल जो अफेयर्स हैं, मुल्क के जो हालात हैं, ये किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? क्या हो गया, हो क्या गया हम सबको? हम तो कहते हैं मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद है मुट्ठी की तरह, ये क्या सीन चल रहे हैं? बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा ही लेंथी है, उसमें जो मैं समझ पाया हूँ वो यही बात है कि जो पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं ना, हमें सबसे पहले वो सॉल्व करना है। जब तक हमारा घर ठीक नहीं है तो हमें जो है ना वो बाहर की जो दुनिया है उसके मुतल्लिक इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी जो हमारा पाकिस्तान का जो एक मईशत का निज़ाम है ना, वो बड़ा धर्म भरम हो चुका है। हमारे जो अदारे हैं वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, कोई भी अदारा काम नहीं कर रहा अपनी अपनी जगह पर। जिस अदारे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी अदारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे हालात के अंदर ना पाकिस्तान इस वक्त एक जंग खाना जंगी के हालात में मुब्तला है, और मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें जो जैसे हमारा पाक फ़ौज का एक सुपीरियर अदारा है, और हमेशा से पाक फ़ौज का जो किरदार रहा है वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, अमन व अमान के लिए, फलाह व बहबूद के लिए, वो हमेशा एक हरावल दस्ते का उन्होंने काम किया, हरावल दस्ते में नज़र आए, हमेशा जो अगली सफ़े उनमें नज़र आए, और पाकिस्तान के लिए हमेशा उन्होंने अपनी जान के नजराने दी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को एक मुत्तहद होने की ज़रूरत है, एक नेशन बनने की ज़रूरत है। और जो तालिबान की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहिए तालिबान के मामलों के ऊपर, ये सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। हमें पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं पहले इसको हमें सेंसिटिव इश्यूज़ तालिबान के मैं कट करूँगा, सॉरी इधर सेंसिटिव इशू की आपने बात की सर, मुस्लिम उम्मा सर आपने कहा कि अगर नॉन मुस्लिम की तरफ कश्मीर के मसाइल को लेकर हम बात कर लेते हैं, कश्मीर में मैं आपको यहाँ पर कश्मीर की बात करूँगा तो आप 10-15 गालियाँ भी दे देंगे, उस पर हम इजीली बात कर लेंगे, हम फलस्तीन पर बात कर लेंगे। सर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब हमारे इंटरनल मामलात हैं, मुस्लिम उम्मा जब इतिहाद नहीं है हम में, तो क्या समझते कि हम दूसरी किसी पावर को, अमेरिका को मात दे पाएंगे, इसराइल को मात दे पाएंगे, अगर हमारे मुतहद ही नहीं है हम? क्या मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ सर? अच्छा देखिए, इसमें ना जो चीज़ समझने वाली है ना भाईजान, वो ये समझने वाली है कि हमारे ना पाकिस्तान में एक लीडरशिप का फुकदान है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, और दुनिया की पहली इस्लामी ताकत है पाकिस्तान। और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में एक अच्छी लीडरशिप हो जो कि सियासत से बालाए ताक हो, के जो तफरकाबाजी से निकल के, जो बिला तफरीक अगर हम पाकिस्तान की जो जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की के लिए जो कोशिश करे, जो लीडरशिप, मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेता, तमाम लीडरशिप है, इसमें तमाम अदारे आ जाते हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, इसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आ जाती हैं, इसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। तो ये तमाम जब मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तब हमारे अंदर जो है ना वो लीडरशिप निकलेगी, और जब हमारे अंदर लीडरशिप निकलेगी तो नो डाउट पाकिस्तान जो है ये कलमे की बुनियाद पर बना है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जो एक इस्लामी दुनिया है, जितने ममालिक हैं, हम उसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इमामत भी करेंगे और हम सबको लेके भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को जो है ना आपस में हमारे अदारों को, हमारी आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वो भाई साहब कह रहे थे कि इंडिया में काफ़ी गुर्बत है, कहाँ वो 40 साल पुरानी बात कर रहे थे, लेकिन भाई साहब जरा सा अभी डाटा चेक कीजिए, पाकिस्तान की गुर्बत कहाँ है, इंडिया की कहाँ है, और इंडिया की जो जनसंख्या है 140 करोड़ आबादी है और आपकी 22 है, आप सिर्फ 22 करोड़ नहीं संभालना होगा। इंडिया में तो 140 करोड़ आबादी है और साथ में कई धर्मों के लोग जाते हैं। तो खैर, और
उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में गंदगी है और जो रोड स्ट्रीट पे लोग भूखे सोते हैं। तो भाई साहब, ऐसा कोई दुनिया में देश नहीं है जहाँ पर ऐसे लोग नहीं है। पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल जाएंगे आपको, सिर्फ इंडिया में ये लोग नहीं है। आपके यहाँ पे अभी क्या लोगों के हाल है ये हमें सब पता है, पूरी दुनिया को पता है। लोग लाइनों में आटे के लिए मर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मुजम्मिल भाई ने जो सब्जेक्ट दिया था कि जो क्लासिक चल रहे तालिबान वर्सेस ईरान के पानी के लिए, वो जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा भटक गया था और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आया था। मुजम्मिल भाई से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्जेक्ट पे बातें करते तो बहुत अच्छा रहता, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वो बात हुई है। खैर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।